हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक खूबसूरत सी कार खड़ी है, और ये कार है ऑल न्यू टोयोटा ग्लांजा, जो कि आता है मोर एग्रेसिव लुक्स के साथ, एंड दिस इज लोडेड विद फुल्ली न्यू फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज। और ये गाड़ी अवेलेबल है बोथ ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन में। और गाइस, इस कार का स्टार्टिंग प्राइस है 6.59 लाख से एक शोरूम। और यह कार की खूबसूरत सी चाबी विद टोयोटा की ब्रांडिंग। और मैं सबसे पहले इंजन बे को खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। टोयोटा ग्लांजा करेंटली अवेलेबल है पेट्रोल इंजन में विद 1.2 लीटर सीसी इंजन के साथ, और ये पावर जनरेट करता है 89 पीएस एट 6000 आरपीएम, एंड टॉर्क है 113 एनएम विद 4400 आरपीएम। इसका फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छा है। मैनुअल ट्रांसमिशन में है 22.35 किलोमीटर पर लीटर, और ऑटोमेटिक में है 22.94 किलोमीटर पर लीटर। और इस कार की खूबसूरत से लुक से शुरुआत करते हैं। इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है वो है काफ़ी स्टाइलिश, आप देख सकते हो। और ये आता है वाइट एलईडी डीआरएल हेडलाइट्स के साथ, और अंदर में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। और जो इस गाड़ी को और खूबसूरत बनाता है वो इसका ये लॉन्ग क्रोम विथ द ब्यूटीफुल प्रीमियम टोयोटा लोगो। और जो इसका फॉग लैम्प है वो भी एलईडी में आता है विथ ब्यूटीफुल क्रोम एक्सेंट। और आगे में आप ब्लैक फिनिश देख सकते हो, जो इसको मोर स्पोर्टी एंड एग्रेसिव लुक्स देता है, काफ़ी कूल लगता है। और गाइस, इस गाड़ी का खूबसूरत सा साइड व्यू आप देखिए, जो कि आता है ऑटोमेटिकली फोल्डिंग ओवर वीएम के साथ। आप देख सकते हो, मैंने लॉक बटन दबाया और ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो गया इंडिकेटर लाइट। और ये आता है 16 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है 175 mm का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। शार्क फिन एंटेना, और इसका एलईडी टेल लैंप प्लस हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स काफ़ी सुंदर दिखता है, आप देख सकते हो। ग्लांजा का ब्रांडिंग, और ये हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स। और रियर वाइपर भी है विथ टोयोटा का खूबसूरत सा ब्रांडिंग। और ये है रियर कैमरा, और ये है पार्किंग सेंसर्स। और गाइस, इस गाड़ी के कैमरे में बहुत ही कुछ खास है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। और मैं आप लोग इस गाड़ी का बूट स्पेस दिखाता हूँ। ओके, काफ़ी बड़ा है। आई थिंक ये डिटैचेबल है, इसको हटा भी सकते हैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से। और काफ़ी बड़ा 318 लीटर का बूट स्पेस है। अंदर में स्पेयर व्हील्स होना चाहिए, यस। और आप पीछे में बूट लैम्प देख सकते हो, और इस सीट को 60-40 स्प्लिट भी कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। और कैसे स्प्लिट करना भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा बटन उठाया और इसको ठेल दिया तो आराम से गिर गया। और अभी बूट स्पेस बहुत ही मैसिव हो जाता है, बहुत ही बड़ा, एक बिस्तर भी घुस जाएगा, एक मैट्रेस भी घुस जाएगा, उतने साइज़ का है। और अगर आपको लंबा सामान रखना है और गाड़ी के अंदर चार आदमी बैठना है, तो आगे दो बैठ के या दो बैठ के एक को आप फोल्ड कर सकते हो, और ये जैसे उठ जाएगा तब पाँच लोग बैठ सकते हैं आराम से। और ये गाड़ी का फ्यूल लिट, और मैं अभी पीछे एंट्री करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, तो दरवाजे से शुरू करते हैं। दरवाजे का साइज़ काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा, घुसने में काफ़ी आसान है। और ये हैंडल, और यहाँ से आप शीशे को अप डाउन कर सकते हो। और यहाँ पे एक बोतल रखने की जगह है, और स्पीकर यहाँ पे है। इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर्स है, इस दरवाजे में, इस दरवाजे में, आगे के दरवाजे में, और इस दरवाजे में। गाड़ी के म्यूज़िक एक्सपीरियंस को काफ़ी बेहतरीन बनाएगा। सबसे पहले मुझे देखने को मिला रियर एसी वेंट्स, जो कि बहुत ज़रूरी होता है और इस गाड़ी में है। इससे आप कंट्रोल कर सकते हो, ये बटन है, कंट्रोलर है। और यहाँ से आप एक एंड्रॉयड फ़ोन चार्ज कर सकते हो और एक आईफोन चार्ज कर सकते हो, दोनों के लिए पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट। इस गाड़ी का जो अंदर थाई सपोर्ट है ना, वो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। मेरा जो थाई में गैपिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एकदम काफ़ी कंफर्टेबल है। और जो नी रूम है वो भी बहुत ज़्यादा है, इनफ है, बहुत ही ज़्यादा है मतलब, और आराम से 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं। इस गाड़ी का आगे का लुक्स पीछे से कैसे दिखता है आप देखिए, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है। और अभी मैं ले चलता हूँ आप लोग के फ्रंट व्यू में, फ्रंट सीट में आई मीन। और गाइस, इस कार की खासियत यह है कि इस चाबी को मैंने अपने पॉकेट में रखा, और आपको चाबी पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप इस छोटे से बटन को प्रेस करके गाड़ी को खोल सकते हो आराम से। और इसका इंटीरियर काफ़ी सुंदर है, ये पूरे फेज एंड पियानो ब्लैक कलर के साथ आता है। और इस गाड़ी में आपको ब्लैकिश और ये कलर बहुत देखने को मिलेगा, जो कि इस गाड़ी को और प्रीमियम बनाता है। तो अंदर मैं बैठता हूँ। और कैसे गाड़ी का आगे का फिनिशिंग देखो, काफ़ी खूबसूरत है, और 4 एसी के साथ आता है। और बहुत ही गर्मी थी तो मैंने एसी ऑन किया है, और काफ़ी ठंडा फास्ट कूलिंग इफेक्ट देता है आपको। और इस गाड़ी में है क्रूज़ कंट्रोल, यानी कि अगर आप हाईवे में चला रहे हो और आपको 80 के स्पीड में कंटिन्यू चलाना है, क्रूज़ बटन को ऑन कर दीजिए, ये कंटिन्यू 80 के स्पीड में जाएगा, इवन दो आपने नीचे में कुछ भी नहीं छुआ होगा, पैरों से एक्सीलेटर बटन नहीं दबाया होगा। पुश स्टार्ट बटन के साथ आता है, मैंने सप्रेस किया, और हेडसअप डिस्प्ले खुद आ रहा है, आप देख सकते हो। ये चीज़ गाड़ी को और प्रीमियम बनाता है। इस बटन से आप ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो, और इससे आप अप एंड डाउन कर सकते हो, और आप इससे पोजीशन को मिला सकते हो, इस हेडअप डिस्प्ले का। और पोजीशन मैंने मिला लिया है अपने हिसाब से, और ये आपको टाइम एंड गाड़ी का जो स्पीड है वो आपको बताएगा, जैसे कि मैं आगे ले जाके दिखाता हूँ।
ये देखो आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, ये आपको दिखाएगा। आपको बार बार यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि आप रोड पे देख रहे होते हैं और यहाँ पे देख रहे होते हैं तो आगे कुछ अचानक से आ जाता है, तो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है आपका। तो उसी वजह से सेफ्टी रीजन के लिए यहाँ पे लगाया। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको वापस फोल्ड भी कर सकते हो। सिंपल एज दैट। और एक आता है 6 एयरबैग्स के साथ, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है और आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये आता है एंड्रॉइड ऑटो एंड कार प्ले के साथ, और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम हाईली एडवांस्ड है बोथ इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड फीचर्स। और जैसे कि मैंने कार के पीछे वाले हिस्से को दिखाते समय बोला था कि इस कार में कुछ बहुत ही खास है कैमरे को लेके, सेफ है स्पेशली कंजेस्टेड एंड हैवी ट्रैफिक वाले एरिया में, क्योंकि इस कार में है 360 डिग्री कैमरा। गाइस ये 360 डिग्री कैमरा, आप पूरा साइड का व्यू देख सकते हो, आगे कुछ भी नहीं है साइड में तो उससे पता चलता है। और ये पीछे का व्यू है, आप आगे का देख सकते हो, अगर आपको सिर्फ आगे और साइड का देखना है तो आप वो देख सकते हो, आप इसको भी टर्न होते हुए देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और गाइस इस गाड़ी में वॉइस कमांड भी है, आपका कोई भी फ़ोन हो एंड्रॉयड हो या फिर एप्पल, आपको बस यहाँ पे वॉइस कमांड देना है, हे टोयोटा। Hi, what can I do for you? Phone. How can I assist you with phone? PK, call PK. Which contact would you like to call? PK. Which PK would you like to... PK. One. ओके, ये ऑटोमेटिकली होता है, काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको बार बार बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं, तो आप वाइल ड्राइविंग भी आप आराम से किसी को कॉल करना होगा, आप आराम से म्यूजिक प्ले करना होगा, तो आप वो सब आराम से कर सकते हो। और जहाँ तक इस गाड़ी की सेफ्टी की बात है, इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स है, चाइल्ड लॉक सिस्टम है, 360 डिग्री कैमरा जैसा कि आपने अभी देखा, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम है जो कि आपको 80 किलोमीटर के बाद देगा, और इस गाड़ी में ABS एंड EBD भी है। एंड लास्टली इस गाड़ी में हिल होल्ड फीचर भी है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा ऊंचे वाले जगह में आप गाड़ी को पार्क करोगे ना, तो कुछ सेकंड्स के लिए आपकी गाड़ी को पीछे आने नहीं देगा, ताकि आप हिली एरिया में आगे जाते वक्त आपका गाड़ी पीछे ना जाए। जब आप क्लच दबाते हो तो पीछे जाता है ना, लेकिन वो नहीं जाएगा। और एक अच्छी बात, इस गाड़ी का जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो है 3 इयर्स का या फिर 1 लाख किलोमीटर्स का, वेरस मारुति में बस 2 इयर्स या फिर 40,000 किलोमीटर्स का स्टैंडर्ड वारंटी होता है। और गाइस इस गाड़ी की खासियत ये कि इसमें लॉन्ग वेटिंग पीरियड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इस गाड़ी के लिए आपको ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा ऑर्डर के साथ साथ। और ये सिर्फ इस गाड़ी के साथ नहीं है, टोयोटा का जितना भी कार्स आप पकड़ लो सब में सेम है। एंड टोयोटा का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो एकदम अनबीटेबल होता है, मतलब बहुत ही अच्छा सर्विसिंग आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा सर्विस मिलेगा, जैसे आप कार ले लोगे, पार्ट्स के मामले में बोलो, गाड़ी बनाने के मामले में बोलो, सब कुछ में। और टोयोटा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। तो गाइस जितना डिटेल्स मैं दे सकता था इस कार का तो मैंने दे दिया है, अभी मैं इस कार को चला के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस 1.2 लीटर इंजन के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्मूथ ड्राइविंग है, बहुत ही एकदम रास्ते से चिपक के चलती है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, इधर उधर हिलेगी डुलेगी नहीं ज़्यादा। और जो ये हेडसअप डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि मुझे बार बार इधर देखने की जरूरत नहीं पड़ रही इस गाड़ी के स्पीड और टाइम को देखने के लिए। और इस गाड़ी का जो माइलेज है वो है ऑलमोस्ट 23 लीटर्स का, मैंने पहले आप लोगों को बताया था, और काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग। और अंदर आपको बाहर का नॉइस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एकदम शांत है अंदर में बहुत ज़्यादा। 37 लीटर्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी। वीडियो खत्म होने वाला है, और वीडियो खत्म करने से पहले मैं इस गाड़ी का एक अमेजिंग फीचर के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है आई कनेक्ट। और गाइस ये है गाड़ी का आई कनेक्ट ऐप, जिससे आप गाड़ी को अपने फोन से ही बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इंटरनेट चाहिए। इसमें लॉक डोर का फीचर है, लाइट्स ऑफ का फीचर है, हैजर्ड लाइट्स का फीचर है, आप बैठे बैठे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी को कोई और ले जाता है तो आप इस गाड़ी के लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो, और जो ड्राइवर चला रहा है वो कितने स्पीड में चला रहा है, कितनी बुरी तरीके से चला रहा है आप चेक कर सकते हो, काइंड ऑफ जासूसी कर सकते हो अपने कार के लिए, और सर्विस भी इधर से ही बुक कर सकते हो। और आप इस व्हीकल का सर्विस हिस्ट्री देख सकते हो, और ये आप आपको प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर में आराम से टोयोटा आई कनेक्ट के नाम से मिल जाएगा। ये गाड़ी वाइट, रेड, ग्रे, सिल्वर, ब्लू सभी कलर्स में अवेलेबल है, ये भी मुझे काफ़ी सुंदर लगा। तो ऐसे बेहतरीन गाड़ी अगर आप लोगों को बुकिंग करवाना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, बुकिंग करवा सकते हो और टेस्ट ड्राइव भी करवा सकते हो। और इसका जो मेन ब्रांच है कैपिटल लेखी में, और इसका सब ब्रांच पासीघाट N0 में भी है,
मुझे तो बहुत पसंद आया ये कार, और ये कार का जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी अच्छी है। 6.59 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है एक शोरूम प्राइस, जो कि बहुत अच्छी है। तो इसी के साथ आज का मेरा व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा और ये कार पसंद आया होगा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।